हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत सारी अपडेट और सारी अपडेट जो है वो है कड़क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए अपडेट और आपको बताते हैं कि क्या है वो सारी कड़क अपडेट्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको अपडेट अच्छी लगती है तो इस आप वीडियो को जरूर करिएगा लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपकी अपडेट। तो सबसे पहली अपडेट निकल के आती है डीएमएफ की तरफ से, यानी कि जो अंशुल गर्ग हैं डीएमएफ के जो मालिक हैं, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये स्टोरी शेयर करी। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। उन्होंने लिखा है कि 3 इंडियन स्टार्स सुपर स्टार्स कोलैब करने वाले हैं, कि आप वो कोलैब गेस कर सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि यो हनी सिंह का जो गाना है उइमा, नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ और हनी सिंह, तो यही 3 स्टार्स हैं वो जिनका गाने में कोलैब है, जो कि अभी काफ़ी पहले बात चल रही थी, लगभग मार्च के आसपास की गाना आने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये गाना जो है, जो स्टोरी लगी है वो उई माँ के लिए लगी है और ये गाना अब आपको डीएमएफ पे मिलेगा लगभग अगस्त मिड में, क्योंकि 28 तारीख को एक गाना लगा है जिसका नाम है 2 फोन, ऐसा कोई गाना है जो कि 28 तारीख को लगा है, 28 जुलाई को, यानी आज की ही डेट में वो गाना रिलीज होगा। तो आज वो रिलीज होगा तो उसके 2-3 हफ्ते बाद ही अगला गाना रिलीज करेंगे। तो वैसे भी डीएमएफ अपने गाने रिलीज करने में ज़्यादा टाइम लगाती नहीं, तो यही मान के चलिए कि आपको 15 अगस्त या फिर 25 अगस्त के आसपास उइमा यानी यो हनी सिंह का नेक्स्ट सॉन्ग देखने को जरूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी अपडेट। तो दूसरी अपडेट यहाँ पर निकल के आती है कि इक्का और दिलजीत दोसांझ का कोलैबोरेशन होने वाला है, यानी या ये समझिए कि कोलैबोरेशन डन हो चुका है, क्योंकि उन्होंने अपने एक कमेंट में लिखा है इक्का ने कि अब टाइम आ गया है और कोलैब करनी चाहिए। तो सब कुछ डन हो चुका है, अब यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, सब कुछ ओके है, अब बस आप ये समझिए कि गाना आने ही वाला है, किसी भी टाइम आ सकता है, किसी भी टाइम अनाउंसमेंट हो सकती है। अगली अपडेट निकल के आती है हमारी तरफ बादशाह के लिए। तो आज बादशाह का गाना रिलीज होने वाला है, लेकिन अभी तक इसकी कोई खबर नहीं है। उन्होंने हालांकि अभी लगभग 2 घंटे पहले अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक छोटी सी एक फोटो डाला है और उस पर लिखा है कि किसी भी टाइम गाना आ सकता है, किसी भी टाइम। तो अभी कुछ पता नहीं है और गाना अभी भी ये एक कंफ्यूजन तय कर रहा है कि गाना बादशाह के चैनल पे आएगा कि म्यूजिक सागा या YRF के पेज पर आएगा। मेरे हिसाब से तो बादशाह के पेज पर, मतलब बादशाह के यूट्यूब चैनल पे आना चाहिए, क्योंकि जो पोस्टर है उस पर लिखा है releasing/YouTube बादशाह, तो हो सकता है बादशाह के चैनल पे गाना आए, और हो सकता है कि इस गाने का यानी कि जो बवाल गाना है बादशाह का, उसका आपको इसी चैनल पे रिएक्शन भी देखने को मिले। तो इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को अभी से करिए लाइक अगर आपको अपडेट पसंद आती है। थैंक यू।